चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार के बारे में। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र में इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1933 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर $24.09 पर ट्रेड कर रही है। दोनों में ही लाल निशान के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। 0.11% की गिरावट दर्ज की जा रही है। और शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में देख रहे हैं आज भी वही उठापटक का माहौल जारी है। सोने चांदी में लाल निशान पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या फिर इंटरनेशनल मार्केट की। आपको क्या लगता है, अब जब सोमवार को मार्केट खुलेगी तो मार्केट का रुख क्या रहेगा? अखिलेश जी, मार्केट में अगर देखें तो मोमेंटम एक रेंज बाउंड है। गोल्ड कल भी एक रेंज में था, आज भी एक रेंज में देखने को मिलता है। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में ऐसी ही रेंज बनी रहेगी। चकेटा ऊपर में 52,300, नीचे में 51,400, ये रेंज हमें लगता है कि गोल्ड में रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में 1920 नीचे में और ऊपर में 1940, ये रेंज हमें लगता है मार्केट में रह सकती है। तो हालांकि हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ बिकवाली का व्यू देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव नीचे आए हैं तो उससे असर गोल्ड सिल्वर में भी आ सकता है। तो हमें लगता है कि सलोन राइज का मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है जी। तो यानी कि सोने चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली हावी होती नजर आ सकती है, मार्केट थोड़ी डाउन जाती नीचे नजर आ सकती है। ये सर, मुझे बात करें अगर क्रूड प्राइसेस की, तो आज हमने WTI को $100 के नीचे भी जाते हुए देखा था। ब्रेंट क्रूड में भी देख रहे हैं $104 के आसपास ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो WTI आज $100 के नीचे ट्रेड करता नजर आया था, तो ये किस बात का संकेत है कि क्या क्रूड के दाम फिर से $100 के नीचे जाने वाले हैं? देखिए, क्रूड में अगर देखें तो US इस बार अपने स्ट्रेटेजी रिजर्व से निकालता हुआ दिखता है। तो स्ट्रेटेजी रिजर्व से अगर वो क्रूड रिलीज, तो क्रूड के भाव में नरमी देखने को मिलेगी। इवन अगर देखें तो रशिया की तरफ से भी क्रूड की सप्लाई बढ़ने की देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में कुछ नरमी और आ सकती है। जिस तरीके से रशिया ने डिस्काउंट पर क्रूड देने की बात करी है, तो उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि क्रूड की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ सकती है। और हमने देखा उसकी वजह से क्रूड के भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जल्दी ही क्रूड के भाव $90 तक के लेवल छू सकते हैं जी। ये सनु जी, बेस मेटल्स की बात की जाए तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं चाइना में अभी भी लॉकडाउन है और चाइना बेस मेटल्स का बड़ा कंज्यूमर है, तो क्या उसकी वजह से बेस मेटल्स में अभी जो नरमी वाला रुख है वो बना रहेगा या फिर यहाँ पे तेजी भी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बेस मेटल में अगर देखिए तो डिमांड का थोड़ा असर देखने को मिला है। हमने देखा है कि बेस मेटल में चाइना में लॉकडाउन लगने की वजह से थोड़ा सा नरमी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलर कॉपर और जिंक में। हमें लगता है कि भाव नरम रह सकते हैं। कॉपर के भाव नीचे 810 रुपए तक और जिंक के भाव 340 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी, तो जिस तरह क्रूड के भाव नीचे आए हैं, कॉपर और जिंक में भी नरमी देखी जा सकती है जी। अनुज जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह आप कैसे देखते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए? देखिए, सप्ताह में हमें लगता है कि मार्केट एक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि हायर लेवल पर हम थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली आती हुई जरूर देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ है, हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी में देखने को मिल सकता है जी। अनुज, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में? नॉन एग्री में हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे करीबन 7,200 से लेकर 7,000 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वही साथ में जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे 340 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अनुज जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं। और शुरुआत करेंगे M6 कॉटन से। अनुज जी, M6 कॉटन की बात की जाए तो M6 कॉटन 42,000 के ऊपर ही ट्रेड करती नजर आ रही है, सस्टेन हो रखी है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कॉटन में अभी और तेजी बाकी है या फिर यहाँ पे ऊपरी स्तर से जबरदस्त मुनाफा वसूली बनेगी? देखिए, कॉटन के भावों में हमने यहाँ पे एक तेजी आते हुए देखी है और कंटिन्यू तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। हमें लगता है कि कॉटन के भावों में आगे भी तेजी रहेगी।
प्रतीत है कि ऊपर भाव 47,500-54,000 के लेवल को छू सकते हैं, इसी का ट्रेंड हुआ और यहाँ पे भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं जी। ये सनु जी, बिनौला खल में हमने 3,400-3,300 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे थे 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, उसके बाद देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पर बिनौला खल की कीमतों में नरमी बनती नजर आई, अब देख रहे हैं 3,200 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अब फिर से रेंज में फंसने वाली है या फिर यहाँ से बिनौला खल में फिर से 3,300-3,400 वाले टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे? देखिए बिनौला खल में हमें रेंज ही लग रही है, नीचे हमें 3,000 ऊपर में 3,400 के बीच मार्केट मूव कर सकता है। हमें लगता है कि बिनौला खल के अंदर भावों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, हालांकि यहाँ पर हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं हायर लेवल पर हमें डिमांड कम होते हुए देखी है। तो नीचे में 3,100 और ऊपर में 3,400 ये लेवल हमें लगता है कॉटन सीड में देखने को मिल सकता है जी। ये सनु जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में आपने टारगेट दिया था कि 12,500 से लेकर 13,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वही ग्वार सीड में आपने 6,500-6,600 के लेवल दिए थे, आपके वो टारगेट्स आज अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। जैसा आपने बताया था ग्वार गम ग्वार सीड में अपर साइड का तेजी वाला रुख रहेगा, वैसे ही हमने होता हुआ देखा। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से आज ऊपरी सर्किट लगते नजर आए हैं ग्वार गम ग्वार सीड के बाजार के अंदर, तो क्या यहां से अब एक मुनाफा वसूली बनती है या फिर यहां से तेजी कंटिन्यूस रहेगी? देखिए आज ही दोनों कमोडिटी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट हाई के लेवल को टेस्ट किया है, हमें लगता है कि ये तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी और जो हम यहाँ पर अपने टारगेट रिवाइज करेंगे ऊपर हमें करीबन 7,200 ग्वार फीड में, और ग्वार गम की अगर बात करें तो करीबन 13,500-14,000 के लेवल ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिला है, हमें लगता है ये जो तेजी भी पकड़ी है ये अभी और कंटिन्यू रह सकती है। काफी समय के बाद मार्केट अपने रेंज में निकला है, तो टेक्निकल मॉडल से हमें लगता है कि ग्वार ग्वार गम में आगे के टारगेट लेवल नए देख मिल सकते हैं। अगेन ग्वार फीड करीबन 7,000-7,200 और ग्वार गम में 13,500-14,000 के लेवल आ सकते हैं जी। तो यानी कि अनुज जी के मुताबिक ग्वार कॉम्प्लेक्स में अभी शानदार रैली आगे भी देखने को मिल सकती है, ग्वार आगे भी काफी अच्छी कमाई कमवाता नजर आ सकता है। ये अनुज जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आज हमने अचानक से यूटर्न आते हुए देखा है, चाहे धनिया हो जीरा हो या हल्दी हो, तीनों ही मसाले आज तेजी के साथ खुले थे और तेजी के साथ ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए तेजी है या फिर अब मसालों में जो तेजी बननी चाहिए थी वो बननी शुरू हो चुकी है? देखिए मसालों के अंदर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है, हमें लगता है कि मसालों के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाव में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और आगे तेजी रह सकती है। एक्सपेक्टेड है कि जीरा के भावों में और टर्मरिक में कोरिएंडर में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। ये सर मुझे कैसर सीड की बात की जाए, तो कैसर में हम काफी दिनों से अपर रेंज में देख रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कैसर सीड 7,400-7,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, जब अगले कारोबारी सप्ताह मार्केट खुलेगी तो क्या इसके ऊपर के भी लेवल्स अब कैस्टर में देखने को मिल पाएंगे, क्या कैस्टर की मार्केट 7,400-7,500 के लेवल्स पर सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगी? देखिए कैस्टर में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि रेंज जो है मार्केट रेंज में अटका हुआ दिख रहा है, कि कैस्टर में आज जो मार्केट ने रेंज तोड़ा है 7,400 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है, हमें लगता है कि ऊपर में 7,800-8,000 तक के लेवल कैस्टर में आ सकते हैं। आज अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं, तो पूरा ही काउंटर जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई देता है। हमें लगता है कि जल्दी ही कैस्टर में हम यहाँ पे अब 8,000 के लेवल देखेंगे, काफी दिनों के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया है, ये हमें लगता है कि आगे कंसोलिडेशन में जा सकता है और आगे एक अच्छा ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है जी। ये सनु जी, मेंथा में आपको क्या लगता है, मेंथा का बाजार कैसा रहेगा? देखिए मेंथा के बाजार में कंटिन्यूस तेजी आती हुई दिख रही है, हमें लगता है कि मेंथा के बाजार में कंटिन्यूस तेजी बनी है। इस तरीके से फंडामेंटल अगर हम देखें तो क्रॉप इस बार कम देखने को मिली है और मेंथा ने आज 1,100 के लेवल को ब्रेक किया है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है और एक अपसाइड जो है करीबन अब 1,150-1,200 के टारगेट को हम यहाँ पे देख सकते हैं जी। ये सनु जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन को हमने $1,700 से सीधे $1,600 तक आते हुए देखा है 1 से 10 दिन के अंदर, तो आपको क्या लगता है ये जो $100 की जो गिरावट आई है फंडामेंटल्स तेज रहने के बावजूद, तो क्या सोयाबीन की मार्केट और बाकी एडिबल ऑयल की मार्केट क्या अभी थोड़े टाइम के लिए नीचे जा सकती है या फिर यहाँ से खरीदारी बन जाएगी?
देखिए सोयाबीन और रिफाइंड के अंदर हमें इंटरनेशनली भावों में कुछ नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में अभी जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। इंटरनेशनल कारणों की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव कुछ नरम हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर रिफाइंड सोया भी आ सकती है। सरसों की अगर बात करें तो वहां पर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि अभी सरसों के भावों में कुछ और गिरावट आ सकती है। जी अनुज जी, कुछ दर्शकों का सवाल है कि फंडामेंटल्स तो तेजी की ओर हैं, तो फिर विदेशी बाजारों में एडिबल ऑयल सेक्टर में ये जो नरमी देखने को मिल रही है क्यों देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ पर अराइवल की वजह से नरमी देखने को मिल रही है और साथ में जिस तरीके से क्रूड के भाव नीचे आए हैं उससे भी भावों को में गिरावट आई है। हमें लगता है कि अभी क्रूड के भाव अगर नीचे रहेंगे तो एडिबल ऑयल से भी कुछ नरमी का ट्रेंड आगे देखने को मिलेगा। जी अनुज जी, आप टॉपिक्स किन देना चाहेंगे एग्री कम्युनिटीज में से? देखिए टॉपिक्स में हमें लगता है कि ग्वार के अंदर ही खरीदारी कर सकते हैं। हमें जो टारगेट है ग्वार में करीबन 7,000 से लेकर 7,200 का हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कैस्टर के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट करीबन 7,800 से लेकर 8,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ग्वार और कैस्टर दोनों में खरीदारी का ट्रिप बना के चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर मेरे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।